हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं हर ज़िले के डीएम को कि काउंसलिंग होनी है 3 से 6 के बीच में, तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आने जाने दिया जाए इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो उसके लिए ये ऑफिशियल लेटर है जिसमें पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इसमें वो भी दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो सकते हैं किसी ज़िले की बाउंड्री पर, सीमा पर, तो उसके वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जारी किया गया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए, और इसका विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 3/6/2020 से 6/6/2020 के मध्य जनपद में आयोजित काउंसलिंग के संबंध में। तो ये दिया हुआ है और इसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपके जो कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, कब लास्ट डेट थी, ये पूरी डिटेल आपको पता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नीचे जो खास है आपके लिए वो ये है कि इसमें दिया हुआ नीचे कि चयनित अभ्यर्थी के पास अन्य वांछित अभिलेखों के साथ साथ निम्न अभिलेखों की उपलब्धता रहेगी, यानी कि जो जो अभिलेख आपके हो सकता है चेक हो जाएं किसी आपको जिले में जाने के लिए, तो वो आपको निकाल के रखने होंगे। तो ये 4 चीज़ तो आपको दिखानी होंगी, बाकी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके ही जाओगे, बट ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांग सकते हैं देखने के लिए। ये एज ए पास आपका काम करेंगे डॉक्यूमेंट। कौन कौन से हैं? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र, जो आपने भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किया था तो उसका जो आवेदन पत्र है वो आपके लिए अपने पास रखना होगा। दूसरा, सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति हेतु भरा गया आवेदन पत्र, मतलब जो आपने अभी लेटेस्ट भरा है जिला वाला आवेदन पत्र, वो आपको भी पास होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, मतलब आपकी वोटर आपकी जो आईडी है जो आपने भरी थी फॉर्म में वो होनी चाहिए, और आईडी दोनों लेके जाइएगा, जो पहले आवेदन फॉर्म में भरी थी वो भी, और ये जो उसमें इस वाले फॉर्म में भरी है जिले वाले में वो भी, मतलब अपनी सारी आईडी आप अपने पास लेके जाइएगा, क्योंकि एक आईडी जमा भी हो सकती है और आईडी एक्स्ट्रा में होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर एक आदमी मिस्टेक है तो आप दूसरी सबमिट कर सकते हो। और चौथा है आपका आवंटित जनपद की सूची का प्रथम पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, यानी कि जिस पृष्ठ पर आपका नेम आएगा कल जब लिस्ट आ जाएगी 31 तारीख में, तो जो नाम आएगा उसके आगे आपकी डिटेल लिखी होगी पूरी, और वो जिला लिखा होगा जो जिला आपको आवंटित हुआ है, तो उसका आपको प्रिंटआउट लेके जाना है उस पेज का। तो ये 4 चीज़ आपसे हो सकता है मांगी जाएँ, तो ये अपने प्रिंटआउट आप निकलवा के पहले रख लीजिएगा, काउंसलिंग जब भी आप जिस ज़िले में जाएंगे तो हो सकता है बीच में यही आपके लिए पास का काम करेंगी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, तो इसका प्रिंटआउट आप रख लीजिएगा। और ये ऑफिशियल नोटिस था वो मैंने आपको दिखा दिया। नीचे लास्ट में ये रखा है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया जनपद के पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को अपने स्तर से इस आशय का निर्देश देने का कष्ट करें कि उपरोक्त अभिलेखों के उपलब्ध होने पर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों, यानी कि जो ऊपर आपके 4 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है जो मैंने अभी बताई आपको, वो आपके पास होने चाहिए, वो हो सकता है चेक हो जाए, तो इसीलिए इसमें बोल रखा है कि 4 अभिलेख उसके मतलब अभ्यर्थी के पास होंगे, वो आप चेक कर सकते हैं, तब उनको उस जिले में काउंसलिंग के लिए जाने को अलाउ कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर से लेके जाने हैं, 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए दिखाने के लिए। को अपने आवंटित जनपद की काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु यात्रा करने पर उन्हें वांछित जनपद में जाने से ना रोका जाए, कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, और नीचे अपने साइन दे रखे हैं। तो ये अभिलेख आपके पास होने जरूरी हैं इसमें से, क्योंकि वो चेक हो सकते हैं और चेक होने पर तभी आपको ज़िले में जाने दिया जाएगा। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हैं ही, बस आपको क्या करना होगा, जब कल लिस्ट आ जाएगी तो उसका एक प्रिंटआउट निकलवाना होगा उस पेज का, जो पेज आपका जिस पे आपका नाम है। बाकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स तो आपने मेरे ख्याल से रेडी कर ही लिए होंगे, तो बाकी चीज़ें तो हैं ही, बस एक कल जो लिस्ट आएगी उसका पेज का प्रिंटआउट भी आपको लेना होगा। थैंक यू।